शॉर्ट टर्म में आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बात तो आपको कई सारे लोगों ने बताई होगी, मगर डेट म्यूचुअल फंड्स की तो 16 कैटेगरीज होती है, तो आपके लिए कौन सी कैटेगरी सूटेबल है, इसी को आसान बनाने के लिए कुवेरा आपके लिए लेकर के आया है डेट म्यूचुअल फंड्स की एक सीरीज, जिसमें आपको 16 कैटेगरीज के बारे में हम आपको वन बाय वन बताने वाले हैं। पहली कैटेगरी ओवरनाइट डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसका वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे लिक्विड फंड्स की और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम अपराजिता, अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, एंड यू आर वॉचिंग कुवेरा यूट्यूब चैनल। बट बिफोर वी बिगिन द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। लिक्विड फंड्स ऐसे डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी अप टू 91 डेज होती है। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज मैंडेटेड फंड मैनेजर्स ऑफ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट ओनली इन ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रेपोस, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ अप टू 91 डेज। इसके अलावा जो ये सारी सिक्योरिटीज है, इनकी क्रेडिट क्वालिटी भी काफी इम्पेकेबल होनी चाहिए। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स लिक्विड फंड्स की तरह ही होते हैं, विद द ओनली डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ द डेट पेपर्स इन विच दे इन्वेस्ट। सो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स इन्वेस्ट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग अ मैच्योरिटी डेट बिटवीन 3 and 6 months। तो किन सिचुएशंस में आपको लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? फर्स्ट, एज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक सेविंग्स। तो अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में सरप्लस फंड पड़े हुए हैं, तो आप उसको लिक्विड फंड्स में या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इन फंड्स में सेविंग्स रेट में मिल रहे इंटरेस्ट रेट से तो ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हो ही जाते हैं। सेकेंड, टू पार्क योर इमरजेंसी फंड्स। तो अगर आपने अपना एक इमरजेंसी फंड बना रखा है, आपने अपनी इमरजेंसीज के लिए फंड्स को कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आप उसको कुछ फंड्स को सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहने दे सकते हैं, बाकी फंड्स को आपको लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में मूव कर देना चाहिए, जैसे कि आपको उन इमरजेंसी फंड्स पे अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे। थर्ड, ईजी विड्रॉल्स। तो आपने जो पैसा लिक्विड फंड्स में या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में डाला हुआ है, आप उसको बहुत ही इजीली रिडीम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मैच्योरिटी लेवल्स हैं, जिन सिक्योरिटीज़ का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो काफ़ी कम होता है, अप टू 6 months ही होता है, तो इसीलिए यहाँ से ईजी विड्रॉल्स काफ़ी हद तक पॉसिबल है। आपको अपना पैसा विद इन सेम डे भी मिल सकता है, और कुछ फंड हाउसेज तो इंस्टेंट रिडेम्पशन भी ऑफर करते हैं। लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज दैट आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, हैविंग गुड क्रेडिट क्वालिटी एंड हाई लिक्विडिटी। ये फंड्स कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए अपने सरप्लस फंड को सेफ रखना चाहते हैं। सैवी इन्वेस्टर्स टू कैन रिजॉर्ट टू लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स टू मैनेज देयर टेम्प्रेरी कैश। इस तरह से आपका कैश ना केवल सेफ रहता है, बल्कि कुछ रिटर्न्स भी जनरेट कर पाता है। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स के बारे में काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, तो वो आप हमसे कॉमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुवेरा यूट्यूब चैनल। कुवेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक शेयर्ड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन।